अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसऑनेस्टली और फ्रॉडोलेंटली को डिस्कस करेंगे। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले डिसऑनेस्टली को देखते हैं। जो सेक्शन 24 PPC है वो डिसऑनेस्टली से डील करता है और जो सेक्शन 25 PPC है वो फ्रॉडोलेंटली से डील करता है। तो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन को समझने से पहले, इस डेफिनेशन में दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। इन दोनों टर्म्स को पहले समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर अगर आप लोगों को रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की समझ आ गई तो इस डेफिनेशन को याद करना, इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है ए, वो अपनी बाइक पार्क करता है पार्किंग में और बी वहाँ पे आता है और आके उसके बाइक का टायर चोरी करके ले जाता है। अब आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, बी जब टायर चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है वो जाके मार्केट में उस टायर को सेल करेगा और पैसे लेगा, और यहाँ पे जब वो टायर सेल करेगा तो उसका फ़ायदा हो रहा है बी का, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो बी है उसका रॉन्गफुल गेन हुआ है, उसको कुछ ना कुछ जब गलत तरीके से उसने गेन किया है, उसको कुछ फ़ायदा हुआ है, उसको कुछ मिला है, तो वहाँ पे कहेंगे कि इसका रॉन्गफुल गेन हुआ है। अब जो ए है जिसके बाइक का उसने टायर चोरी किया है, अब यहाँ पे एक नुकसान हुआ है क्योंकि उसका बाइक उसके बाइक का जब टायर चोरी हो गया तो उसको जारी सी बात है नया टायर लगवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि जब ए को नुकसान हुआ है तो यहाँ पे कहेंगे कि ए को रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मीनिंग है। अब डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन को देखते हैं। हु एवर डज एनी थिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। तो इसका क्या मतलब है डेफिनेशन का, कि जब एक पर्सन कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है और उस काम करने के पीछे उसकी इंटेंशन ये है कि ये मैं काम करूँगा और मुझे रॉन्गफुल गेन होगा, या फिर किसी और पर्सन को रॉन्गफुल गेन होगा और दूसरे पर्सन को मेरे इस काम करने से रॉन्गफुल लॉस होगा, तो कहेंगे कि इस पर्सन ने ये काम डिसऑनेस्टली किया है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक जो बी है वो जब ए के बाइक का टायर चोरी करके लेके गया, तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। अब फ्रॉडोलेंट को देखते हैं, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 25 PPC में। इसमें कह रहे हैं अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडोलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डी फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, इंटेंट टू डी फ्रॉड। तो इसका क्या मतलब है इंटेंट टू डिफ्रॉड का, कि जब एक पर्सन कोई ऐसा काम करता है, उसकी इंटेंशन होती है दूसरे को धोखा देना, या फिर उसकी इंटेंशन होती है दूसरे पर्सन को डिसीव करना। अब अगर फ्रॉडोलेंटली की डेफिनेशन ओवरऑल को देखा जाए, तो जब एक पर्सन कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जिस काम के करने के पीछे उसकी जो इंटेंशन है वो दूसरे पर्सन को डिसीव करना, दूसरे पर्सन को धोखा देना होती है, तो फिर कहेंगे कि इसने ये काम फ्रॉडोलेंटली किया है। अब अगर मज़ीद इसको समझा जाए डिफ्रॉड का, तो इसका मतलब है कि अगर डिसीव या डिफ्रॉड का मतलब है कि अगर एक पर्सन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो उसको पता है, उसके नॉलेज में है कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी वो दूसरे पर्सन को डिसीव करने की इंटेंशन से, दूसरे पर्सन को धोखा देने की इंटेंशन से वो स्टेटमेंट देता है, और दूसरे पर्सन को यही लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन वो स्टेटमेंट गलत होती है, या फिर वो उसने कोई मटेरियल फैक्ट बताने होते हैं दूसरी पार्टी को लेकिन वो जानबूझ के दूसरी पार्टी को नहीं बताता, वो कंसीलमेंट करता है। तो जब कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स किया जाता है किसी केस में, दूसरे पर्सन को जानबूझ के नहीं बताया जाता किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में, तो कहेंगे कि इस पर्सन ने फ्रॉडोलेंटली ये काम किया है, ये एक्ट किया है। फ्रॉडोलेंटली की एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, वो टेनेंट है, वो एक घर सेल करता है बी को और वो बी जो है वो उस घर को परचेज कर लेता है। ए यहाँ पे कहता है कि इस घर का मैं ओनर हूँ, ये मेरा घर है, जबकि जो ए है वो वहाँ पे किराएदार होता है, वो टेनेंट होता है, वो रियल ओनर नहीं होता, वो मालिक नहीं होता उस घर का।
लेकिन ये जानबूझ के कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करता है, जानबूझ के बी को नहीं बताता और बी को ये घर सेल कर देता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि जो ए है उसने फ्रॉडोलेंट इंटेंशन के साथ ये घर जो है वो बी को सेल किया है। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडोलेंटली के बीच में जो डिफरेंस है इसको देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो सेक्शंस क्या है, जो डिसऑनेस्टली है उससे डील करता है सेक्शन 24 पीपीसी, उसके बाद जो फ्रॉडोलेंटली है उससे डील करता है सेक्शन 25 पीपीसी। उसके बाद अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो अगला डिफरेंस नेचर क्या है, जो डिसऑनेस्टली है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन जो फ्रॉडोलेंटली है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है आप लोगों को पता है उसमें एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस जो है वो विदाउट वारंट मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो फ्रॉडोलेंटली है वो ज़्यादा ग्रीवियस है इन नेचर और डिसऑनेस्टली जो है वो इतना नहीं है क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगला डिफरेंस है वो इंटेंशन का है, जो डिसऑनेस्टली है उसमें इंटेंशन रॉन्गफुल गेन होती है या फिर रॉन्गफुल लॉस काज करना दूसरे पर्सन को। उसके बाद फ्रॉडोलेंटली की बात की जाए तो इसमें एक पर्सन की इंटेंशन होती है दूसरे पर्सन को डिफ्रॉड करना। फ्रॉडोलेंटली में बेसिकली एक पर्सन जो है वो जानबूझ के कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स करता है, जो उसने मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं दूसरी पार्टी को वो नहीं बताता, वो जानबूझ के दूसरी पार्टी से कंसीलमेंट करता है, फैक्ट्स को कंसील कर लेता है। अब जो अगला डिफरेंस है, डिसऑनेस्टली में रॉन्गफुल गेन भी हो सकता है और रॉन्गफुल लॉस भी हो सकता है, कि एक पार्टी को या तो फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, और या फिर एक पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता लेकिन दूसरी पार्टी को लॉस ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर फ्रॉडोलेंटली की बात की जाए तो पिक्यूनरी और इकोनॉमिक गेन और लॉस इज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फ्रॉडोलेंटली में ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी अगर कंसीलमेंट अफेक्ट कर रही है दूसरी पार्टी को, जानबूझ के उसको डिसीव कर रही है, तो उसके इस एक्ट की वजह से दोनों पार्टीज़ में से किसी एक को रॉन्गफुल गेन हो या फिर रॉन्गफुल लॉस हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो लॉस या गेन है वो एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है फ्रॉडोलेंटली में।